हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, किस पे, बेंजीन पे कैसे होगी और देन उसके बाद क्लोरोबेंजीन पे कैसे होगी। तो देखो, इससे पहले हम कौन सी रिएक्शन हमने डिस्कस की है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बेंजीन नहीं देता और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से जो बेंजीन होगी उस पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, वो इससे पहले हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे हम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन फाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से लव है। तो इसके ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, क्योंकि जिस चीज की हमारे पास कमी होती है हमें वही चाहिए होती है। अब इसके पास इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है कि ये किस जगह पे अटैक करेगा, जो अपनी स्पीसीज होगी इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब हम सिंपल केस लेके चलेंगे, पहले बेंजीन का, उसके बाद हम क्लोरोबेंजीन पे अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे हम पहले किसका केस लेंगे, सिंपल बेंजीन का। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टली ले लेते हैं, कि मान लिया हमने लिया क्या, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। जो अपना AlCl3 होता है वो होता है एक लुईस एसिड, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो यहाँ से, जैसे ये ClCl है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl को एक्सेप्ट करेगा, एक Cl को एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में क्या होगा, Cl पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये अपना जनरेट हुआ है, यहाँ से कोई सा भी एक, कौन सा भी एक बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, कैसे, कि मान लिया ऐसे डिसोसिएट हुआ है, जो एरो का हेड होता है वहां आता है नेगेटिव साइन, जहां टेल होती है वहां आता है पॉजिटिव साइन। तो ये कैसे हो जाएगा, कि ये तो एडिटिव है, यहाँ हमने डाला नेगेटिव, यहाँ पे डाला पॉजिटिव, और ये स्पीसीज अपनी बन चुकी है क्या, Cl पॉजिटिव प्लस यहाँ से ऐसे ऐसे, और AlCl4 नेगेटिव। इस पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने Cl को एक्सेप्ट किया है, इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ से Cl इसने डोनेट किया है। तो अब ये बन गया अपना क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इसको कौन सी जगह चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो ये इस पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये एज इट इज और ये पॉजिटिव एज इट इज, और यहाँ से हमें मिलेगा Cl और AlCl4 नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसका डिलोकलाइजेशन होता चलेगा, जैसे हम बोलेंगे ये बॉन्ड नेक्स्ट में ऐसे डिसोसिएट हो, कैसे, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चाहिए, तो हमने क्या बोला, एरो का हेड होगा वहां नेगेटिव आएगा, तो इसको ऐसे डिसोसिएट होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये अपना बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे अपना ये लगा ही हुआ है फोर नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा के बॉन्ड दिखा देती हूँ। अब ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही डिसोसिएट होगा, कैसे, इसको भी ऐसे चाहिए, तो एरो का हेड ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपना बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे Cl और AlCl4 नेगेटिव है, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ इस बॉन्ड के डिसोसिएट होने पे यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आया है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये AlCl4 तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एच है, ये AlCl4 है, यहाँ से इस एच को लेके निकल जाएगा। तो जैसे ये निकलेगा, तो यहाँ पे एच प्लस गया, तो यहाँ आया नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे Cl लगा रह जाएगा। और यहाँ से देखो, ये क्या था, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में H प्लस को ये लेके निकल गया, तो इन दोनों के कंबाइन होने से हमें क्या मिलेगा, AlCl3, और साथ में हमें मिल जाएगा HCl। तो इसके साथ साथ क्या मिलेगा, AlCl3 और HCl। तो ऐसे होती हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। तो ये तो था इसका सिंपल मैकेनिज्म, की कैसे कैसे इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने लुईस एसिड लिया, ये क्या होता है, कैटलिस्ट के जैसे होता है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस उसकी स्पीड को या उसको हम फिजिबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन जैसा हमने डाला था वैसा ही हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ही हमने डाला था, तो लास्ट में भी हमें ये ऐसे ही मिल गया। तो ये क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। अब हम देखेंगे इसके अलग अलग मेथड्स।
ये तो हमने बनाया क्या, क्लोरो बेंजीन। अब हम जो आगे रिएक्शंस देखेंगे वो किस पे देखेंगे, क्लोरो बेंजीन पे। कैसे कैसे हो, तो क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन में हम सबसे फर्स्ट क्या देख लेते हैं, सल्फोनेशन। तो देखो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन से ही हमें क्या कि हमें ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें क्या हो, सल्फर हो। तो यहाँ पे हम जो एसिड लेते हैं वो लेते हैं H2SO4, इसके हम टू इक्विवेलेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, SO3 साथ में H3O+ और साथ में HSO4-. अब ये है, ये जो स्पीसीज हमें मिलेगी ये जाके किस पे अटैक करेगी, क्लोरोबेंजीन पे। कैसे, अब हम देखेंगे, ये अपना क्लोरीन है, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, और लोन पेयर कौन से चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, पॉजिटिव को। तो ये जो बॉन्ड है कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे कि इसके जो लोन पेयर है पीछे से इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड Cl और इस पे हमने डाला पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट किया अपने लोन पेयर को। यहाँ पे आया नेगेटिव और ये बॉन्ड है एज इट इज। अब ये नेगेटिव है ना, इसके साथ साथ क्या है इसमें, SO3, तो S OOO। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हुआ, O पे आया नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव है जो अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, अपने जो बेंजीन है इस पे है Cl पॉजिटिव और इसके साथ इसने किस पे अटैक किया है, सल्फर पे, और दो ऑक्सीजन तो एज इट इज होंगी और ये क्या बनेगा अपना O नेगेटिव। कैसे, ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आया O नेगेटिव और यहाँ पे आया था पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव ने इस पे अटैक किया है, ठीक है। तो ये अपना बन गया क्या, ये इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अपना, हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड है जो वो डिसोसिएट होते चलेंगे। कैसे कि यहाँ पे जो भी एच प्लस होगा, यहाँ पे जो भी H प्लस होगा उसको ये यहाँ से निकाल लेगा, ये O नेगेटिव इस वाले H प्लस को निकालेगा और ये बॉन्ड है वो अपना ऐसे हो जाएगा। या पहले एक स्टेप में ये देख लेती हूँ, पजलिंग नहीं होगी, कि इसने यहाँ से H प्लस को निकाला, तो जैसे ही ये यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ये बॉन्ड एज इट इज है, एच प्लस को निकालते ही यहाँ पे कौन सा साइन बचा, नेगेटिव, और ये बन गया अपना H SSS और OH, और यहाँ पे है अपना Cl पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे गया तो यहाँ होया पॉजिटिव और इस पॉजिटिव नेगेटिव ने बनाया बॉन्ड, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया और ये क्या हो जाएगा अपना S OH और ये अपना Cl। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ साथ Cl और SO3H, ये होता है अपना क्या, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म। अब दो कंडीशंस होती हैं, देखो सॉरी ये मैंने इस पे लगा दिया, किस पे है, नेक्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हमें लगाना है SO3H। अब देखो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसके साथ साथ हमें इस पे साथ साथ पैरा वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, क्यों मिलेगा पैरा वाला प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा पोजीशन पे भी इस पे नेगेटिव साइन आएगा, वो अब मैं इसको मिटा के दिखा दूंगी आपको। ये तो था अपना Cl, ये तो ऑर्थो पोजीशन थी, ये मेटा, और पैरा पोजीशन पे भी अपना ये SO3H होएगा, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये अपनी क्लोरोबेंजीन है, एक बार इसका मैकेनिज्म फिर से देख लो आप, क्या किया हमने, सिंपल हमने लिखा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा कि इसके पास आए पॉजिटिव, इसके साथ नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आए नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे इसने डोनेट किया तो पॉजिटिव और यहाँ पे आया नेगेटिव साइन। अब हमने यहाँ पे 2H2SO4 के इक्विवेलेंट लिए थे तो यहाँ से हमें मिला था SO3 जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हुआ, O पे आया नेगेटिव, S पे आया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे इस नेगेटिव ने अटैक किया, तो यहाँ से हमें ये स्पीसीज मिलेगी। अब ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ से इस H को एक्सेप्ट करेगा, इस H को एक्सेप्ट किया, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है ना, तो यहाँ पे बचेगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे ये हो गया H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH और ये एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और यहाँ पे आएगा, जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट या पॉजिटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया तो ये हो जाता है अपना सल्फोनेशन का प्रोडक्ट। अब ये तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला है, ऑर्थो पोजीशन वाला, इसके साथ साथ हमें पैरा पोजीशन पे भी मिलेगा। ऐसा अब हम देख लेते हैं एक बार की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है इन पे ही हमें प्रोडक्ट क्यों मिलेगा।
और देखो यहाँ से हमने ये तो पॉसिबिलिटी देख ली कि जो ऑर्थो होती है और पैरा वाली होती है, ये दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी। तो मैं बना देती हूँ यहाँ कि एक तो हमें क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे प्रोडक्ट मिलेगा और हमें एक क्लोरोबेंजीन के पैरा पे प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इनमें से हमें मेजर माइनर बताना हो तो मेजर होता है अपना ये और माइनर होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप साथ साथ लगे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो ये जो अपना प्रोडक्ट है वो माइनर होता है और ये वाला जो प्रोडक्ट अपना होगा वो मेजर होगा। ठीक है, ये तो किसकी बात थी, इसकी। अब हम देखेंगे कि जो मेटा पोजिशन है इस पे क्यों नहीं होगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल को आना है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो कौन सी जगह पे जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या कि जो अपने ये जो सल्फोनेशन होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्यों होता है। क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे वो जाना पसंद करेगा। तो यहां से हमने ली क्या, ऐसे लिया था हमने क्लोरोबेंजीन। तो अब क्लोरोबेंजीन लिया है हमने, क्या देखा था क्लोरीन के पास है लोन पेयर्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा। तो Cl इसने डोनेशन दिया है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे आया नेगेटिव, ये बॉन्ड एज इट इज। अब नेक्स्ट में ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, तो पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, वो इसे नेक्स्ट ले लेते हैं। ये एज इट इज चलेगा, इस पे कोई चेंज नहीं है, ये हो गया अपना। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ने इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ आया पॉजिटिव। अब नेक्स्ट सॉरी नेगेटिव, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे डिसोसिएट होगा इस नेगेटिव ने, और यहाँ जो पॉजिटिव आएगा ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे आया नेगेटिव साथ में Cl प्लस। लास्ट स्टेप में ये ऐसे न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ पॉजिटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड आएंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम ऐसे शो नहीं करते, बस मैंने समझाने के लिए दिया। देखो एज इट इज है ना, तो होगा क्या यहाँ पे, हमने क्या चाहिए थी इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन किस किस पोजीशन पे आया है, ऑर्थो पे, और यहाँ पे भी ऑर्थो है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे किसी भी जगह आप नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे, किस पे मिला है ऑर्थो पोजीशन पे, दो जगह तो ऑर्थो पे एक जगह पैरा पे। हमें मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं मिला है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो वहां पे अटैक भी नहीं होगा। तो ये किसकी बात थी कि जो अपनी स्पीसीज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देंगी। अब ये सल्फोनेशन अपना कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्या, नाइट्रेशन। अब हम क्या देखेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कोई भी नाइट्रेट ग्रुप होगा, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं HNO2 और साथ में हम लेते हैं H2SO4। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, HNO2 इसके बजाय स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा H2। नहीं, हम लेंगे HNO3, HNO3 लेंगे और साथ में हमने लिया H2SO4, तो वहां से हमें क्या मिलेगा H2NO3 प्लस और साथ में HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है अपना, इसने H+ डोनेट किया है, इसने अपना H+ प्लस में HSO4 नेगेटिव, और होता क्या है कि जो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो डोनेट करते हैं H+, तो इस ये अपना ये H2SO4 है, ये इसकी बजाय स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसकी वजह से ये H+ यहाँ से डोनेट करेगा। तो मैंने शायद ये बोल दिया कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें से अपना H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये H+ डोनेट करेगा और उस H+ को ये वाला एक्सेप्ट करेगा। तो इसने ऐसे इसने डोनेट किया है और इसने एक्सेप्ट किया, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा H2 NO3+ और यहाँ से हमें क्या मिलेगा NO2+ और साथ में यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब ये NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो जाके अटैक करेगा किस पे, अपनी क्लोरोबेंजीन पे। यहाँ पे हमने ली क्लोरोबेंजीन, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ है, तो फिर से वही होगा, इसके पास है लोन पेयर, तो ये कौन से चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इस बॉन्ड के डिसोसिएट होते ही ये एडिटिव। इस पॉजिटिव को ये पीछे से लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किए।
अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ये NO2 अपना इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाके इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें मिला NO2 और ये ऐसे और ये Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड वापस से ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे एक H है, तो ये H यहाँ से निकल जाएगा। तो ये H3 था, ये इसको Cl और यहाँ से NO2 और यहाँ से H प्लस जाएगा तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव और इसके जाने से जहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये बॉन्ड ऐसे ही बना लेंगे। तो ऐसे होता है अपना नाइट्रेशन। अब जो अपना नाइट्रेशन है वो भी किस पे होगा, ऑर्थो पोजिशन पे, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यहाँ से हमें मिलेगा। और जो अपना ये वाला होगा मेजर होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अपना माइनर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो क्या था अपना नाइट्रेशन, उसके बाद एसाइलेशन या अल्काइलेशन, अल्काइलेशन देख लेते हैं। एल्काइलेशन इसमें हम क्या लेते हैं, CH3Cl। तो होगा क्या कि जैसे यहां से Cl नेगेटिव लीव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो CH3 प्लस और ये होगा Cl नेगेटिव अलग निकलेगा। तो यहाँ पे हमने ली क्या, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसमें भी वापस से ऐसा ही होगा, वापस से ऐसा ही होगा कि इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हुआ तो इस पे पॉजिटिव, ये पीछे से अपने लोन पेयर दे देगा तो ये हो जाएगा Cl। इसने अपने लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव पे ये सी एस थ्री प्लस है वो अटैक करेगा, तो जैसे इस सी एस थ्री प्लस ने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे आएगा सी एच थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे चला गया तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये अपना बचा सी एल। और यहाँ पे क्या होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एडिटिव और यहाँ पे लगा हुआ सी एस थ्री। अब इसके पास एक एच भी है, यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलते ही यहाँ पे आया नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये CH3 और ये H और ये Cl यहाँ से निकल के HCl बनाएंगे। तो ऐसे अपना होता है अल्काइलेशन। तो यहाँ पे जो अपना ये टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।